Hello students, welcome you all again on Mathetic Maths Adda. This is Vinay Pandey here again. Students, Central Orbit ka aaj second video mein aapke samne leke aaya hu. Central Orbit ka jo first video tha, kaafi short video tha, jisme humne Central Orbit ke baare mein padha tha ki agar koi bhi ek center of mass, अगर कोई भी एक जो फोर्स है वो सेंटर ऑफ मास की ओर अगर अट्रैक्टेड है, एक पर्टिकुलर पॉइंट की ओर डायरेक्टेड है अगर, तो उसके सराउंडिंग में जिस भी तरीके का वो मोशन होता था उसको हमने सेंट्रल ऑर्बिट बोला था. इसका एग्जांपल हमने देखा था मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, वो सेंट्रल ऑर्बिट का एक एग्जाम्पल है. इसका जो पहला वीडियो था उसमें हमने देखा था कि सेंट्रल ऑर्बिट में जो भी पाथ होता है वो एक प्लेन में लाया करता है. द पाथ ऑन द सेंट्रल ऑर्बिट इज अ प्लेन कर्व, ये प्रूफ किया था हमने इसके पहले लेक्चर में. आज का जो वीडियो है उसमें हम सेंट्रल ऑर्बिट की डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे. सेंट्रल ऑर्बिट की डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकाली जाती है इसके बाद पेडल फॉर्म में आपको बताऊंगा. तो सेंट्रल ऑर्बिट की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए. एक है रेडियल एक्सेलरेशन और एक है ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन. अगर हमने कोई भी एक मोशन लिया है और इस तरीके से कुछ मोशन है, तो इसकी ये जो ओपी है इसको हम रेडियस वेक्टर बोलते हैं. तो इस रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन वर्क करता है उसको हम बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन. और रेडियल एक्सेलरेशन ये आर वेक्टर हो जाएगा, तो डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी. डी थीटा अपॉन डी टी का मतलब कितना रोटेशन हुआ है इसमें, ये रोटेशन एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में. तो डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर, ये रेडियल एक्सेलरेशन है. किसके डायरेक्शन में? रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन में. और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन होता है इसके टेंजेंट के डायरेक्शन में. अगर हम पी पॉइंट पे एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं तो जो टेंजेंट के डायरेक्शन, इस पी में अगर हम टेंजेंट बनाएंगे तो टेंजेंट के डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन वर्क करेगा उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन. और उसकी वैल्यू होती है 1/r डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी. तो यहाँ पे ये रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का यूज़ होगा और इन दोनों एक्सेलरेशन से ही हम इसके डिफरेंशियल इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे. स्टेटमेंट क्या है? अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन. आपको जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि सेंट्रल ऑर्बिट में जो पाथ होता है वो एक प्लेन कर्व होता है विद एन एक्सेलरेशन विच इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टू अ फिक्स पॉइंट. अब इस लाइन से आपको क्लियर होगा कि एक्सेलरेशन एक फिक्स पॉइंट की ओर डायरेक्टेड है. इसका मतलब जो पाथ होगा वो कैसा पाथ होगा सेंट्रल ऑर्बिट, क्योंकि सेंट्रल ऑर्बिट में एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट की ओर इसका फोर्स जो होता है हमेशा उसी ओर डायरेक्शन उसकी रहती है, या आउटवर्ड या इनवर्ड. तो इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्टेड टू अ फिक्स पॉइंट, जो डायरेक्शन है इसकी फोर्स की वो इस डायरेक्शन में लग रही है. तो ये फोर्स की डायरेक्शन है और वो फिक्स पॉइंट क्या है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, वो पॉइंट है ओ इन द प्लेन. ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन. तो एक पार्टिकल मूव कर रहा है, एक प्लेनर पाथ उसने सेलेक्ट किया हुआ है और उसमें एक्सेलरेशन जो है ओ पॉइंट की ओर डायरेक्शन उसकी है हमेशा. तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको इस पाथ की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने है कि पार्टिकल का पाथ किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेगा, उसका डेरिवेशन हमको करना है, जिसमें हम रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का यूज़ करेंगे इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए. तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं. जो पार्टिकल है उस, ये पार्टिकल इस पाथ में मूव कर रहा है और इस पार्टिकल में हमने इसका एक पर्टिकुलर पॉइंट पी ले लिया है और इस पी पॉइंट पे जो इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है वो एक्सेलरेशन क्या है उसको हम मान लेते हैं पी. अब आप इसमें देखिए, जो रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था वो रेडियस के डायरेक्शन में वो था रेडियल एक्सेलरेशन, और टेंजेंट के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ये था. सेंट्रल ऑर्बिट में हमने पाथ लिया पी, हमने इसका आर थीटा इसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए, थीटा ये एंगल है. तो ये जो आर थीटा हमने इसके पी के कोऑर्डिनेट्स माने हुए हैं उससे हम डी आर अपॉन डी टी और डी थीटा अपॉन डी टी कैलकुलेट करेंगे. अगर हम बात करें इसमें जो फोर्सेस लग रहे हैं, सिर्फ एक एक्सेलरेशन जो है रेडियस डायरेक्शन में है और ट्रांसवर्स टेंजेंट के डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं दिया है, तो इसका मतलब रेडियल एक्सेलरेशन जो है, रेडियल एक्सेलरेशन उसका फॉर्मूला क्या है, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर. ये जो रेडियल एक्सेलरेशन है, ये इसकी जो रेडियल एक्सेलरेशन है इसमें जो फिक्स पॉइंट की ओर इसका डायरेक्शन है, ये पी जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसमें
माइनस का साइन आएगा अपोजिट साइन की वजह से, क्योंकि जो फोर्स है सिर्फ रेडियल डायरेक्शन लग रहा है, टेंजेंट के डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब इसका जो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन होगा, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन जो होगा वन अपॉन आर डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि टेंजेंट के डायरेक्शन में कोई भी फोर्स वर्क नहीं कर रहा है ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है, और टेंजेंट रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन में जो फोर्स है वो पी है, अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से हमने इसमें माइनस का साइन ले लिया। इसी को आगे सॉल्व करते हैं, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी ये क्या हो गया, जीरो। और जैसे ये जीरो होगा होगा क्या कि किसी भी टर्म का अगर डिफरेंशिएशन जीरो आता है तो वो टर्म कैसा टर्म होता है, कांस्टेंट। इसको मैं अब हटा दे रहा हूँ, इसका डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है तो इसका मतलब आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी ये क्या रहा होगा, ये कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट हमने मान लिया एच, इक्वेशन नंबर थ्री। हम ये मान लेते हैं कि लेट यू इज इक्वल टू वन अपॉन आर, इसको इक्वेशन नंबर फोर कर लेते हैं, तो फ्रॉम थ्री क्या हो जाएगा, डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन आर स्क्वायर, और वन अपॉन आर को हमने यू माना तो हो जाएगा एच यू स्क्वायर, किसकी वैल्यू हो गई, डी थीटा अपॉन डी टी की। नाउ फ्रॉम फोर देखिए, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट वाली इक्वेशन, हमने अभी सेकंड इक्वेशन का यूज़ किया है, फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ नहीं किया है, हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे और डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू निकालेंगे, डी थीटा अपॉन डी टी हमने निकाल दिया है, ये दोनों वैल्यूज़ निकाल करके हमको इस इक्वेशन नंबर वन में सब्सटीट्यूट करनी है, सब्सटीट्यूट करके आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ईजिली मिल जाएगी। तो आपको डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर निकालना है, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे डी यू अपॉन डी टी अगर हम निकालें, या फिर हम इक्वेशन फोर का यूज़ करें, तो आर इक्वल टू कितना हो गया, वन अपॉन यू, डी आर अपॉन डी टी कितना हो जाएगा, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, डी आर अपॉन डी टी कितना हो जाएगा, माइनस वन अपॉन यू स्क्वायर डी यू अपॉन डी टी। अब मैं ये स्टेटमेंट्स हटा दे रहा हूँ, इक्वेशन वन हमारे पास क्या है, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, माइनस पी। इस इक्वेशन में हमने ये दोनों वैल्यूज़ निकाल करके सब्सटीट्यूट कर ली है, तो ये इक्वेशन मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, डी आर अपॉन डी टी ये आ रहा है, तो डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू आ रहा है माइनस वन अपॉन यू स्क्वायर, डी यू अपॉन डी टी को हम लिख सकते हैं, डी यू अपॉन डी टी अलग कर दिया, डी थीटा यहाँ कर दिया मल्टीप्लाई और डिवाइड, डी यू अपॉन डी थीटा या डी थीटा अपॉन डी टी की बात करें तो डी थीटा अपॉन डी टी क्या है, एच यू स्क्वायर, तो माइनस वन अपॉन यू स्क्वायर डी यू अपॉन डी थीटा, और डी थीटा अपॉन डी टी कितना हो जाएगा, एच यू स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस एच डी यू अपॉन डी थीटा, इक्वेशन नंबर सिक्स। फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस एच, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो डी थीटा अपॉन डी टी भी आएगा, और डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू फिर से क्या है, एच यू स्क्वायर, तो डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर आ गया, माइनस एच डी थीटा अपॉन डी टी की जगह आ जाएगा एच यू स्क्वायर, तो हो जाएगा एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेवन। बस आपको ये वैल्यूज़ आप यहाँ इक्वेशन वन में सब्सटीट्यूट कर देनी है, तो फ्रॉम वन डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, माइनस एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी, आर को हमने क्या माना हुआ है, आर को हमने वन अपॉन यू माना हुआ है, और डी थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा एच स्क्वायर यू की पावर फोर और इक्वल टू है माइनस पी। अब एक तो माइनस का साइन कॉमन आकर के कैंसिल हो जाएगा, और इस पूरी इक्वेशन को एच स्क्वायर यू स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं, तो डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, एक ये यू से यू क्यूब बनेगा, एच स्क्वायर यू क्यूब, और हमने डिवाइड किससे किया है, एच स्क्वायर यू स्क्वायर से, और राइट साइड में क्योंकि ये माइनस हमने कॉमन ले लिया था तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, और एच स्क्वायर यू स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड भी कर दिया, एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक यू बचेगा यहाँ पे, तो डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस क्या बचेगा, यू इज इक्वल टू पी अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर,
तो ये आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। क्या किया हमने, इसका जो ट्रांस टेंजेंट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन था वो जीरो था क्योंकि उसमें कोई भी कंडीशन नहीं दी थी, और रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को हमने पी मान लिया था, माइनस पी अपोजिट डायरेक्शन की वजह से माना था, तो ये पी जो था वो सेंटर की और जो फोर्स वर्क कर रहा था वो था। सेकेंड इक्वेशन का यूज़ करके हमने फर्स्ट इक्वेशन में ये दोनों वैल्यूज रख लिए, जहाँ पर आर हमने क्या माना हुआ है, वन अपॉन यू, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी किसकी, सेंट्रल ऑर्बिट की। तो स्टूडेंट्स अभी जो हमने डेरिवेशन किया वो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का डेरिवेशन किया सेंट्रल ऑर्बिट की। जो अभी हमने फॉर्मूला प्रूव किया वो था डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू पी एच स्क्वायर पी अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर। यू क्या था, वन अपॉन आर को हमने यू माना हुआ था, और पी क्या था जो ये हमने सेंटर ओ लिया था या सेंट्रल ऑर्बिट का पाथ सेलेक्ट किया था, ये पॉइंट पी था जिसके कोऑर्डिनेट्स आर कॉमा थीटा थे। इस पॉइंट पे एक एक्सेलरेशन जो था रेडियल डायरेक्शन में वो क्या था, माइनस पी वर्क कर रहा था क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में था, और ये एंगल कितना था, थीटा। तो ये जो फॉर्म है ये कौन सी फॉर्म है, पोलर फॉर्म। अब हम जो फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं वो है पेडल फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी भी हम सेंट्रल ऑर्बिट की निकाल रहे हैं। इसमें पोलर फॉर्म का मतलब क्या होता है, हम जो इक्वेशन होनी चाहिए वो आर और थीटा में होनी चाहिए, और पेडल फॉर्म का मतलब होता है स्मॉल पी, और स्मॉल पी क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर स्मॉल पी की बात करें तो जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं उस पॉइंट पे हम ओरिजिन से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो वो जो परपेंडिकुलर बनेगा उस परपेंडिकुलर की लेंथ को ही हम क्या बोलते हैं, स्मॉल पी। तो पैडल फॉर्म में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वी हैव फॉर्मूला है जो पैडल फॉर्म का फॉर्मूला है वो है वन अपॉन पी इज इक्वल टू वन अपॉन आर स्क्वायर वन अपॉन आर फोर डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है बीएससी फर्स्ट ईयर का, ये फॉर्मूले का डेरिवेशन आपने फर्स्ट ईयर में किया होगा, जिसमें पेडल फॉर्म में ये पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उस पर्टिकुलर पॉइंट की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर क्या है, ये किसी भी एक पर्टिकुलर लेंथ को हम आर बोलते हैं। और अब जो इससे पहले वाला डेरिवेशन हमने किया था उस डेरिवेशन में हमने यू को क्या माना हुआ था, वन अपॉन आर, और अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डी यू अपॉन डी थीटा अगर मैं निकालूं तो वन अपॉन आर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा। दोनों साइड स्क्वायरिंग अगर हम करेंगे तो डी यू अपॉन डी थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन अपॉन आर फोर डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर थ्री फ्रॉम वन एंड थ्री, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन आप देखिए ध्यान से, ये फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन में क्या है, जो वन अपॉन आर फोर डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर है, ये पूरा टर्म को रिप्लेस कर सकते हैं हम डी यू अपॉन डी थीटा का स्क्वायर से। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, वन अपॉन पी, वन अपॉन आर किसके इक्वल है, यू के, तो ये क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर, और इस पूरे टर्म की जगह पर क्या आ जाएगा, डी यू अपॉन डी थीटा का स्क्वायर। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, इसको अगर आप फिर से डिफरेंशिएट करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर। जो डिफरेंशिएशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने लिखी थी पेडल फॉर्म में, यहाँ पे वन अपॉन पी स्क्वायर होता, सॉरी वन अपॉन पी नहीं होता, वन अपॉन पी स्क्वायर, तो ये वन अपॉन पी स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा माइनस टू अपॉन पी क्यूब। पेडल फॉर्म में ये लेफ्ट साइड में वन अपॉन पी स्क्वायर होता है, माइनस टू अपॉन पी क्यूब। यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टू यू, सॉरी पी का डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, पहले वन अपॉन पी स्क्वायर का होगा, फिर पी का क्या होगा, डी पी अपॉन डी थीटा। यू स्क्वायर का क्या होगा, टू यू डी यू अपॉन डी थीटा, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले टू पावर का होगा, टू डी यू अपॉन डी थीटा, और फिर डी यू अपॉन डी थीटा का क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर। अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ, माइनस टू अपॉन पी क्यूब, डी पी अपॉन डी थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, डी पी अपॉन डी आर और डी आर अपॉन डी थीटा, दोनों को अलग अलग कर दिया मैंने, और इससे क्या कॉमन आ रहा है, टू डी यू अपॉन डी थीटा कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, यू प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन
डी थीटा स्क्वायर, और डी यू प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, जो पोलर फॉर्म, सॉरी पेडल फॉर्म हमने, सॉरी पोलर फॉर्म में हमने जो डेरिवेशन किया था, डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू, ये टर्म उसी से मैच कर रहा है, तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा, टू से टू कैंसिल हो गया, माइनस वन अपॉन पी क्यूब डी पी अपॉन डी आर, और डी आर अपॉन डी थीटा, यहाँ पे हमने वैल्यू निकाली थी, डी यू अपॉन डी थीटा कितना आ रहा था, वैल्यू यार थी, डी आर अपॉन डी थीटा अगर हम करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा डी आर अपॉन डी थीटा की जगह पे, या अभी मैं इसको फिलहाल ऐसे रहने दे रहा हूँ डी आर अपॉन डी थीटा, क्योंकि यहाँ वैल्यू आ जाएगी डी यू अपॉन डी थीटा, और इस पूरे टर्म की जगह पे क्या आ जाएगा, पी अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू हो गई, यू डी स्क्वायर यू डी थीटा स्क्वायर की जगह हमने क्या रख दिया, पी अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर, और डी यू अपॉन डी थीटा कितना था, डी यू अपॉन डी थीटा, ये टर्म आ रहा है, डी यू अपॉन डी थीटा की जगह हम क्या रख लेंगे, माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा, तो ये इसके जगह पे रख दिया मैंने, डी यू अपॉन डी थीटा की जगह पे ये वैल्यू रख दी, इनटू ये आ जाएगा, और लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, माइनस वन अपॉन पी क्यूब डी पी अपॉन डी आर इंटू डी आर अपॉन डी थीटा, तो डी आर अपॉन डी थीटा कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा, वन अपॉन पी क्यूब डी पी अपॉन डी आर इज इक्वल टू वन अपॉन आर स्क्वायर इंटू वन अपॉन आर स्क्वायर, वन अपॉन आर को हमने क्या माना था, यू, तो ये क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर, तो ये यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन पी क्यूब डी पी अपॉन डी आर, तो ये विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पेडल फॉर्म, तो पेडल फॉर्म में हमने इस सेंट्रल ऑर्बिट का डिफरेंशियल इक्वेशन का डेरिवेशन कर लिया है, ये पोलर फॉर्म थी जिसमें आर और थीटा वाले टर्म्स, आर मतलब यू को मैं कन्वर्ट कर दिया था, यू और थीटा वाले टर्म्स, और पेडल फॉर्म में क्या होता है, पी स्मॉल पी और आर आएगा, स्मॉल पी क्या था, उस पॉइंट की ओरिजिन से परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करते हैं वो परपेंडिकुलर, टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर बनता है वो पी, और डी पी अपॉन डी आर आ रहा है, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, पेडल फॉर्म, ये हो गई पोलर फॉर्म। तो स्टूडेंट्स आज का जो वीडियो था, इस वीडियो में हमने फिलहाल सेंट्रल ऑर्बिट के दो डेरिवेशंस कर लिए हैं, इन दोनों डेरिवेशंस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो अगले वीडियो में हम सेंट्रल ऑर्बिट के नेक्स्ट थर्ड लेक्चर में करेंगे, तो आगे का जो लेक्चर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि अब हम जितने भी न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड हैं, जो मेन मेन न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, किन इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से, ये पोलर फॉर्म वाला फॉर्मूला यूज़ करना हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और पेडल फॉर्म में हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, जितना हमने पहले वीडियो में देखा उसमें हमने देखा था कि पेडल फॉर्म, सॉरी सेंट्रल ऑर्बिट में जो पाथ होता है वो एक प्लेन कर्व होता है, आज का जो डेरिवेशन ये डिफरेंशियल इक्वेशन का था, नेक्स्ट वीडियो से हम अब न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे।